अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू गॉसिप पाकिस्तान। तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल फितूर की एपिसोड 9 का रिव्यू। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ड्रामा स्टार्ट होता है कि जब दिलनशी माँ से माफ़ी मांगती है और वो उसे माफ़ कर देती हैं, और दिलनशी माँ से वादा करती है कि अब आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी और भाई को भी कभी दुखी नहीं करूंगी और आपकी तरबियत पर भी कोई उंगली नहीं उठाने दूंगी। डॉक्टर इरफान हमज़ा के अबू सादिक साहब को बताते हैं कि आपको मेंटली रेडी होना चाहिए कि शायद हमज़ा को होश आने के बाद वो पूरी तरह से पैरालाइज हो या कोमा में हो। दिलनशी यावर से मिलती है और माफ़ी मांगती है और बिला आखिर दोनों बहन भाई राज़ी हो जाते हैं। उधर दिलनशी की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। हमज़ा को होश आ जाता है और होश आते ही दिलनशी का नाम लेता है। उसके अबू सादिक साहब वादा करते हैं कि मैं दिलनशी का रिश्ता मांगने ज़रूर जाऊंगा और उसको अपने साथ लेकर ही आऊंगा। हमज़ा के अबू यावर साहब दिलनशी का रिश्ता मांगते हैं, लेकिन यावर साफ साफ इनकार कर देता है। मगर सादिक साहब सच्चाई हमज़ा से छुपा लेते हैं और कहते हैं कि हाँ हो गई, ताकि उनका बेटा जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। दिलनशी हमज़ा के बारे में माँ और भाई से बात करने आती है, लेकिन यावर उसे अपनी जान की धमकी देता है और वो बेबस होकर हैदर से ही शादी करने पर राज़ी हो जाती है। तो व्यूवर्स, अब देखना है कि क्या दिलनशी हैदर से शादी करेगी और क्या हमज़ा दिलनशी का पता लगा पाएगा या नहीं। इससे पहले कि आप वीडियो को क्विट करें, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।